भागलपुर जिले के इसीपुर थाना क्षेत्र में करंट लगने से एक किशोरी की मौत हो गई, जहां उसे बचाने पहुंचे उसकी दादा की भी स्थिति गंभीर हो गई। दरअसल चापाकल के समीप घर में सप्लाई होने वाली बिजली की अर्थिंग के संपर्क में आने से किशोरी को तेज झटका लगा, जिसके बाद वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। इस दौरान जब उसके दादा उसे बचाने पहुंचे तो दादा भी करंट की चपेट में आ गए। मृतक किशोरी की पहचान हरदेवचक पंचायत निवासी कृष्ण मोहन गौड़ की 13 वर्षीय पुत्री अनुष्का कुमारी के रूप में हुई है। घटना के समय अनुष्का के दादा द्वारका गौड़ चापाकल पर स्नान कर रहे थे। उसी दौरान अनुष्का अपने दादा को कपड़े देने गई थी और बिजली की अर्थिंग के संपर्क में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दादा द्वारका गौड़ ने उसे बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह भी करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद परिवार वालों ने तुरंत दोनों को पीरपैंती रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों ने अनुष्का को मृत घोषित कर दिया और घायल दादा को बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। बता दें कि अनुष्का 9वीं कक्षा की छात्रा थी। उसके पिता कृष्ण मोहन गौड़ मजदूरी का काम करते हैं, जबकि माँ गोकुल मथुरा में सेविका के रूप में कार्यरत है। वहीं इस दुखद घटना से पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। कैसे करंट लगा है? कल के पास से कपड़ा लेके गई थी पसारने के लिए, छड़ था वहीं पर कट गई। भागलपुर के बाबा बूढ़ानाथ मंदिर के समीप पार्क में रविवार से डिज्नीलैंड मेला का शुभारंभ हो गया। इस मेले का उद्घाटन समाज के गणमान्य लोगों और बच्चों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। मेला संचालक डब्ल्यू जायसवाल ने बताया कि यह डिज्नीलैंड मेला 40 दिनों तक चलेगा, जिसमें शहर के लोग विभिन्न प्रकार के झूलों का आनंद उठा सकेंगे। डब्ल्यू जायसवाल ने बताया कि स्कूल में गर्मियों की छुट्टियाँ हो गई है और बच्चों के मनोरंजन के लिए मेले में कई प्रकार की व्यवस्था भी की गई है। उद्घाटन के दौरान ही काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ मेला परिसर में उमड़ी रही। मेले में तारा माछी, ब्रेक डांस, टेराकोटा, ड्रैगन ट्रेन सहित सजावटी और खाने पीने के सामानों के स्टॉल लगाए गए हैं। 29 जुलाई से 3 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट में विशेष लोक अदालत का आयोजन होगा। इस आयोजन के लिए भागलपुर जिले के 5 मामलों को चुना गया है। शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष राजेश नारायण सेवक पांडे ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इन मामलों से जुड़े लोगों से संपर्क किया जाएगा। यदि वे उपलब्ध होते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी काउंसलिंग की जाएगी, ताकि उनमें आपसी सुलह हो सके। उन्होंने कहा कि अगर वे सुलह के लिए तैयार होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की विशेष लोक अदालत में अपने मामले सुलझा सकते हैं। जिला जज ने बताया कि इन मामलों से जुड़े लोगों से संपर्क और काउंसलिंग के लिए वरीय एडीजे हमवीर सिंह बघेल, सीजीएम मोहम्मद फिरोज अकरम और वरीय सब जज की कमेटी बनाई गई है। वहीं उन्होंने कहा कि भागलपुर के लोग जो दूसरे राज्यों में रह रहे हैं, वे भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संपर्क कर इसकी जानकारी ले सकते हैं। जिला जज ने बताया कि भागलपुर में 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इससे पूर्व भागलपुर और नगोछिया के एसपी के साथ प्राधिकार की बैठक भी की गई, जिसमें राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनीय वादों के निपटारे के लिए जागरूकता फैलाने और लोगों से संपर्क करने की बात जिला जज ने कही। बैठक में एडीजे हमवीर सिंह बघेल, प्राधिकार के सचिव उमेश प्रसाद समेत अन्य न्यायिक पदाधिकारी मौजूद थे। दिनांक 29 जुलाई 2024 से लेकर 3 अगस्त 2024 तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस संबंध में पूरे जिले के सभी आम जनों को ये जानकारी देने में मुझे हर्ष हो रहा है कि उनके जो मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हैं, जो सुलहनीय हैं, उस संबंध में वो जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संपर्क करके अपने मामले के सुलह करने के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
के तत्वाधान में और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशन में राष्ट्रीय लोक अदालत का भी गठन का भी आयोजन किया गया है। वो दिनांक 13 जुलाई 2024 को वो जिला स्तर पर हम लोग विभिन्न आपराधिक समनीय मामलों का, दीवानी मामलों का, राजस्व मामलों का तथा बैंक से संबंधित, जलकर से संबंधित, विद्युत प्रभार से संबंधित तथा टेलीफोन विभाग से संबंधित प्री लिटिगेशन के मामले और जो न्यायालयों में जो आपराधिक समनीय मामले हैं उन सभी मामलों में सभी पक्षकारों को सूचना दी जा रही है। और ये प्रयास किया जा रहा है कि सुदूर गांव तक जिनके छोटे मोटे मामले हैं वे सारे लोग आपस में सुलह के आधार पर उन मामलों का निष्पादन करें। इस संबंध में भी मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि अगर किसी भी प्रकार की जानकारी इस संबंध में चाहिए तो हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर में आकर यहाँ के सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संपर्क करके वो जानकारी प्राप्त कर सकते। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। रविवार को उर्दू मध्य विद्यालय सनौला के प्रसार में प्राथमिक शिक्षक संघ सनौला इकाई की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन का विस्तार करना था और शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं का निदान करना था। बैठक का नेतृत्व प्रशांत कुमार और चुनाव पर्यवेक्षक अशोक कुमार ने किया। वहीं बैठक में सर्वसम्मति से डॉक्टर सुनील कुमार शुक्ला को प्रखंड स्तरीय कमेटी का अध्यक्ष चुना गया, साथ ही पूरी कमेटी के सभी सदस्य भी निर्विरोध निर्वाचित हुए।